मेरी फैमिली के कुछ नन्हे कलाकार आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंच महाभूत। क्या है ये पंच महाभूत? घबराइए नहीं, ये कोई हॉरर मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है। ये फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, पांच तत्व जो हमारी प्रकृति में है, हमारे शरीर में है, जिससे हम बने हैं। पहला महाभूत आकाश, जब हमारी सृष्टि बनी नहीं थी और स्पेस में एक कॉस्मिक साउंड ओम की गूंज थी, तो उस साउंड से स्पेस की उत्पत्ति हुई, जिसे हम आकाश कहते हैं। ये आकाश एक नीला गगन है, एक नीली चादर से हमें समेटी हुई है। पर क्या आज हम इस चादर में सुरक्षित है? Thank you.
और 2 डिग्री बढ़ गया तो ध्रुव बनने लगे और बाहर जो हमारा प्लैनेट उबल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका क्या होगा? हर साल गर्मी बढ़ती रही तो कहीं सूखा कहीं फ्लड्स, ये रोज होगा। ग्लोबल वार्मिंग अब चेंज होकर ग्लोबल बॉइलिंग हो गया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग इज द न्यू वर्ल्ड। इस बॉइलिंग के वजह से हमारा प्लैनेट बॉइल हो रहा है। कहीं पर बहुत गर्मी है, कहीं पर बहुत बारिश है, कहीं पर बहुत तेजी से पिघल रही है। अब टाइम आ गया है कि हम पूरा सतर्क रहे और ग्लोबल कूलिंग करें। अब आकाश में वायु और अग्नि तो आ गए, इनके बीच के टकराव होने लगे और उससे हमें जल महाभूत का उत्पन्न हुआ। जल से ही सृष्टि में जीवन है, जल से ही जीवन है। जल ना हो तो पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगा। जल के बिना कोई भी स्पीशीज जिंदा नहीं रह सकता। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, but all the water, it had dried up. The world was so much hotter. So Jack and Jill sat on the hill. Their throats were so dry, they couldn't find a drop to drink. And one day, neither would I. Dosto, jal hi jeevan hai. Jal jeene ka sahara hai. जल है तो कल है, जल असली धन है। ये बात हम कब समझेंगे? साबुन लगाते समय शैम्पू कब बंद करेंगे? ब्रश करते समय शैम्पू कब बंद करेंगे? आधा ग्लास पानी को मिक्स करना कब बंद करेंगे? ये बात हम कब समझेंगे? आकाश, वायु, अग्नि और जल एक दूसरे से टकराने लगे और उनकी इसी आपस की टकरार सॉलिडिफाई होकर हमारा 5वां मेंबर बना पृथ्वी। पृथ्वी ने अपने अंदर सबको संभाल लिया, सृष्टि को एक नया आकार मिला, एक नया स्वरूप मिला।
जानते थे, पर एक ऐसा महाभूत भी है जो हमारे लिए जीवन में होना बहुत जरूरी है। हाँ, खाना, फूड। खाना के बिना जीने का मजा ही नहीं है। सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, खाने के बीच में क्या खाना है, खाना खाना खाना। लेकिन अगर ये खाना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो हम इसका क्या करते हैं, इसको वेस्ट कर देते हैं।
सुजलां सुफलां वलयजशीतलां सस्यशामलां मातरं वंदे।